हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से, जहां पर तालिबान के समर्थन में उतरा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, अफगान आर्मी को दे दी है बड़ी चेतावनी हटाने की कोशिश की, तो भुगतना होगा परिणाम। जी हां दोस्तों, बताएंगे और कौन कौन सी बातें कही है इमरान खान की तरफ से। साथ ही आपको अगली खबर में बताएंगे, जहां पर अफगान राष्ट्रपति के आरोपों से इमरान खान को लगी है मिर्ची, करने लगे तालिबान से वार्ता की वकालत। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर क्या तालिबान आतंकियों पर एक्शन में जयशंकर, और क्या अफगानिस्तान में भारत भेजेगा अपनी सेना। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे, जहां पर आरएसएस बीच में आ गया है ऐसा, भारत से दोस्ती के सवाल पर बोले पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी खबर आ रही है, भारत पाकिस्तान में अब होने वाली है जोरदार टक्कर, देंगे इसकी बड़ी जानकारी आपको दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर आगरा में सपा के जुलूस में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी करने वालों पर बड़ा शिकंजा कसा गया है दोस्तों, 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अभी की सबसे लेटेस्ट खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षा के दोस्तों, और योगी जी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो फटाफट से वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां तालिबान के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, अफगान आर्मी को दे डाली बड़ी चेतावनी, कहा हटाने की अगर कोशिश की तो भुगतना होगा बड़ा परिणाम। जी हां दोस्तों, गुरुवार को पाकिस्तान की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के सीमा से लगे शहर पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आने के कुछ ही घंटों बाद अफगानिस्तान के एक शीर्ष नेता ने कहा है कि पाकिस्तान तालिबान को एयर सपोर्ट दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात है ये, नोट करने वाली आपको बता दें। और साथ ही एयरफोर्स को यानी अफगानी एयरफोर्स को चेतावनी दी गई है कि वो तालिबान को सीमावर्ती इलाकों से हटाने की कोशिश ना करें। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के पहले उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने कहा है कि अब पाकिस्तान की वायुसेना तालिबान को कई इलाकों में प्रत्यक्ष तौर से मदद प्रदान कर रही है। पहले उपराष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान वायुसेना ने आधिकारिक रूप से अफगान आर्मी और एयरफोर्स को चेतावनी दी है कि तालिबान को स्पिन बोल दाक इलाके से हटाने की कोई भी कोशिश की गई तो पाकिस्तान की वायुसेना इसका जवाब देगी। पाकिस्तान एयरफोर्स अब तालिबान को कई इलाकों में मदद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है, ऐसे में तालिबान का साथ देते हुए नजर आ रही है दोस्तों पाकिस्तान। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में वो हालात चल रहे हैं दोस्तों जो किसी देश में अभी तक नहीं हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात वहां के नागरिकों तक आ चुकी है दोस्तों, और डेली काफी संख्या में अफगान में लोग मर रहे हैं दोस्तों, बड़ी खबर है। आपको अगली खबर की बात करें, जहां पर अफगान राष्ट्रपति के आरोपों से अब इमरान खान को लगी है मिर्ची, जिसके बाद करने लगे तालिबान से वार्ता की वकालत। बता दे आपको कि अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पाकिस्तान को आईना क्या दिखाया कि वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी मिर्ची लग गई दोस्तों, आरोपों से बौखलाए इस पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने पहले तो पाकिस्तान पर आरोप लगाने को गलत बताया, उसके बाद वो तालिबान से बातचीत की भी वकालत करने लगा। जी हां दोस्तों, ये सब हुआ मध्य और दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय जुड़ाव चुनौतियां और मौके विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान। उज्बेकिस्तान में आयोजित इस 2 दिवसीय आयोजन में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा था कि अफगानिस्तान में शांति प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका नकारात्मक रही है। जी हां दोस्तों, जिसके बाद पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि वो अफगान राष्ट्रपति को बताना चाहेंगे कि अफगानिस्तान के हालातों का सबसे ज्यादा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। पिछले 15 साल में पाकिस्तान में इसके चलते 70,000 लोग
लोगों की जानें गई हैं। अब पाकिस्तान और ज्यादा संघर्ष नहीं चाहता है। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान, अमेरिकी सेना के तालिबान छोड़ने के ऐलान के बाद तालिबान बातचीत का इच्छुक नहीं था। जब वहाँ पर 1.5 लाख नाटो लड़ाका थे तब समय था तालिबान को बातचीत के लिए आमंत्रित करने का। अमेरिकी सेना के वहाँ से चले जाने के बाद वो बातचीत क्यों करना चाहेगा? तब तो उसे जीत की महक मिलने लगी थी। इमरान खान के मुताबिक पाकिस्तान के अलावा किसी अन्य देश ने तालिबान से बातचीत की दिशा में प्रयास नहीं किया। हमने हर कोशिश की है, पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ अभियान चलाया ताकि उसे बातचीत के लिए बाध्य किया जा सके। ऐसे में देखा आपने दोस्तों कि अशरफ गनी के आरोपों के बाद अपने आप को साफ सुथरा बताने वाले इस इमरान खान ने कितनी सफाई से बातचीत अपने सामने रख दी है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है इस दूध के धुले इमरान खान को लेकर, बताइएगा जरूर दोस्त। अगली खबर की बात करें तो तालिबान आतंकियों पर एक्शन में जयशंकर, क्या अफगानिस्तान में भारत भेजेगा अपनी सेना? बता दे दोस्तों, करीब 20 साल के लंबे अंतराल के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान आतंकियों के क्रूर शासन की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है और तालिबान का दावा है कि उन्होंने देश के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान राज फिर से लाने के लिए पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी है दोस्तों। महासंकट की इस घड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एक्शन में आ गए। जयशंकर लगातार ईरान से लेकर रूस तक की यात्रा कर रहे हैं दोस्तों और इस बीच सामरिक हलके में ये चर्चा जोर पकड़ रही है, क्या तालिबान पाकिस्तान की नापाक चाल को फेल करने के लिए भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजेगा? ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत को अपनी सेना भेजनी चाहिए दोस्तों? क्या अफगान की मदद करनी चाहिए? और सिर्फ भारत को ही क्यों, अन्य देशों को भी मिलकर अफगान का साथ देना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना, कमेंट में अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों भारी मात्रा में, क्योंकि लोकतंत्र पर बड़ा खतरा नजर आ रहा है दोस्तों अफगानिस्तान में। ऐसे में आपकी राय तो बनती ही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जहां पर पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने भारत से दोस्ती के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि आरएसएस बीच में आ गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें एक भारतीय पत्रकार ने जय भारत के साथ संबंधों को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को जिम्मेदार ठहरा दिया। न्यूज एजेंसी ANI के पत्रकार ने उनसे जब ये पूछा कि क्या बातचीत और आतंकवाद दोनों साथ चल सकते हैं, इसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं लेकिन आरएसएस की विचारधारा बीच में आ जाती है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे इमरान खान के इस ट्वीट को। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर इमरान खान को लेकर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो भारत के लिए बड़ी ही दुखदायी खबर है दोस्तों, जहां पर अफगानिस्तान में कवरेज के दौरान भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां के कंधार प्रांत में कवरेज के लिए गए भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है दोस्तों। दानिश सिद्दीकी की हत्या कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में एक झड़प के दौरान हो गई। ऐसे में दोस्तों इनको कॉन्डोलेंस जरूर दीजिएगा दोस्तों, सद्भावनाएं जरूर दीजिएगा और इनके श्रद्धांजलि के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत पाकिस्तान में होगी जोरदार टक्कर। दोनों टीमें एक ही ग्रुप में होने वाले हैं। बता दें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने T20 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को ओमान में ग्रुपों का निर्धारण किया गया। दिलचस्प यह है कि भारत अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में है। दोनों सुपर 12 के ग्रुप दो में है दोस्तों। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भिड़ी थी जिसमें भारत ने बाजी मारी थी कोरोना महामारी के कारण। T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत के बजाय UAE और ओमान में खेला जाएगा। जी हां दोस्तों, इसको लेकर आप कितने लल्लान्वित है इस मैच को देखने के लिए कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों और भारत जिंदाबाद जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अब WHO प्रमुख ने भी कहा लैब से कोरोना लीक होने की संभावना खारिज नहीं कर सकते, चीन को देना होगा इसमें सहयोग। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने माना है कि COVID-19 महामारी और एक प्रयोगशाला लीक के बीच तार जुड़े होने की संभावना को खारिज करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने गुरुवार को कहा है कि वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस के स्रोत का पता लगाने के बीच वो चीन से और अधिक पारदर्शिता बरतने को कह रहे हैं। शुरुआत में WHO महानिदेशक टेड्रोस एडहनॉम घेब्रेयेसस का रुख इस मामले में अलग था, जबकि कई देश शुरू से इस मामले में चीन को संदेह की निगाह से देखते आ रहे हैं दोस्तों। गौरतलब है कि मनुष्य में कोरोना वायरस संक्रमण
संक्रमण का पहला मामला चीन के शहर वुहान में सामने आया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो आगरा से खबर, जहां सपा के जुलूस में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी करने वालों पर कसा शिकंजा, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आगरा में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के जुलूस में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया। मामले में थाना नाइकी मंडी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोस्तों इसमें नामजद 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इसमें दोषी पाए जाने पर इनको क्या सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, इन देशद्रोही नारी लगाने वालों पर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें तो कांवड़ यात्रा व सुप्रीम कोर्ट फिर से एक बार सख्त, उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि फैसले पर पुनः विचार करें वरना हम देंगे आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि या तो वो सांकेतिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने पर पुनः विचार करें या हम आदेश पारित करेंगे। शीर्ष अदालत ने सोमवार तक यूपी सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत की जनता का क्या विचार होने वाला है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लागू रखना चाहिए या कोरोना को मद्देनजर देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा देनी चाहिए, क्या लगता है आपको दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। अंतिम खबर की बात करें तो क्या कूसे डर गया ट्विटर, फेक ट्रोल अकाउंट्स को भी किया जा रहा है वेरीफाई। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर ने फर्जी अकाउंट्स को भी ब्लू बैज देना शुरू कर दिया है। ट्विटर की वेरिफिकेशन पॉलिसी एक बार फिर से चरमरा गई है दोस्तों। क्या कंपनी कूसे डर गई है या फिर वेरिफिकेशन पॉलिसी पर ठीक से काम नहीं किया जा रहा, क्या लगता है आपको दोस्तों, और कितने भाई बहन कूपर है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और जिन्होंने हमारे अकाउंट्स को कूपर सब्सक्राइब नहीं किया यानी फॉलो नहीं किया है दोस्तों, प्लीज फॉलो कर दीजिएगा जाकर के लोकसभा हिंदी न्यूज पर। और दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी थोड़ी भी अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।